नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक रूपरेखा जारी की है, जिसमें प्रति लेनदेन 200 रुपए तक ऑफलाइन भुगतान की अनुमति दे दी गई है, जो कुल 2000 रुपए तक ही हो सकती है। भारत के स्वदेशी ओमिक्रॉन टेस्ट किट को मुंबई स्थित टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। इसे 30 दिसंबर को ही ICMR की तरफ से मंजूरी मिल गई थी, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। इस समय भारत में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पता लगाने के लिए दूसरी किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मल्टीप्लेक्स किट की अमेरिका की थर्मो फिशर की तरफ से मार्केटिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 37,379 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 124 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद देश में कुल COVID-19 के मामले बढ़कर अब 3,49,60,261 हो गए हैं। तो वहीं इस महामारी के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,82,014 हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामले अब बढ़कर 1,71,830 हो गए हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 3,43,06,414 हो गई है। कोरोना के कारण महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और गुजरात में हालात खराब होते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर आज सुबह 11 बजे DDMA की बैठक हुई। इसमें कोरोना के हालातों पर समीक्षा की गई। हालांकि अब बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। इसके तहत बीते दिन 40 लाख से ज्यादा बच्चों को कोरोना की पहली वैक्सीन लगाई गई है। एलन मस्क करीब $11 अरब का फेडरल टैक्स चुकाने वाले हैं। टैक्स की इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला के $15.4 बिलियन शेयर बेचे हैं। केवल इतना ही नहीं, मस्क को कैलिफोर्निया को अतिरिक्त $2 बिलियन का इनकम टैक्स भी अदा करना है, जहां से काफी समय तक उनकी कंपनी ने अपना व्यापार संचालित किया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इससे पहले सरकार की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया था। इन दिनों कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए येलो अलर्ट के हिसाब से काम किया जा रहा है। मंगलवार को हुई DDMA की बैठक में अन्य पाबंदियों पर भी चर्चा की गई। इसके तहत अब सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और 50% ऑफलाइन काम करेंगे। स्पाइसजेट के विमान से मुंबई से दरभंगा जा रहे यात्रियों की सोमवार को भारी फजीहत हुई। खराब मौसम की वजह से सबसे पहले ये फ्लाइट कोलकाता के लिए डाइवर्ट हुई और फिर काफी इंतजार के बाद जब दरभंगा में विमान को नहीं उतारा जा सका तो इसे पटना के लिए भेज दिया गया। बिग बाजार जैसी कई सुपरमार्केट चेन्स चलाने वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि कंगाली में आटा गीला, बस कुछ ऐसी ही हालत फ्यूचर रिटेल की हो गई है। दरअसल फ्यूचर रिटेल अपनी संपत्ति रिलायंस रिटेल को बेचकर ऋणदाताओं को बकाया पैसा चुकाती है। इसके लिए उसने रिलायंस रिटेल से अगस्त 2020 में 24,713 करोड़ रुपए की डील की थी, लेकिन अमेजोन ने बीच में अड़ंगा डाल दिया। बढ़ती बेरोजगारी के कारण मोदी सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है और अब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। CMIE की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ने लगी है। दिसंबर 2021 में यह बढ़कर 5 महीने के उच्च स्तर यानी कि 7.91% पर पहुंच चुकी है। CMIE की माने तो देश में बेरोजगारी का दिसंबर महीने का आंकड़ा अगस्त 2021 के बाद सर्वाधिक है। गरुड़ एरोस्पेस ने ड्रोन की मदद से हाल ही में उत्तर प्रदेश के 1,000 से अधिक गांव की मैपिंग पूरी कर ली है। गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है। बता दें कि भारत सरकार की तरफ से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में जमीन के मालिकों को संपत्ति का हक दिलाने के लिए महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक CEO अग्निश्वर जयप्रकाश ने बताया है कि पिछले साल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से जारी किए गए ड्रोन नियमों से कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना वायरस बढ़ने की वजह से दहशत का माहौल है, वहीं राजधानी दिल्ली में भी मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को बताया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए कुल सैंपल में से 81% सैंपल कोरोना वायरस के नए वेरियंट से पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 दिनों के भीतर जीनोम सीक्वेंसिंग किए गए 187 सैंपलों में से 152 सैंपल ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे बिहार को अलर्ट मोड में रखा गया है, सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा है कि अब कोरोना के बीच ही काम करने की आदत डालनी होगी।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पंजाब सरकार ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सब कुछ बंद रखने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने कुछ अपवादों के साथ नगरपालिका क्षेत्र में रात का कर्फ्यू लगाया है। बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी। वहीं कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगे होना जरूरी है। जिम पूरी तरह से बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में केवल वो ही कर्मचारी जा पाएंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। श्रीलंका के गहराते वित्तीय और मानवीय संकट में डूबते जा रहे हैं और महंगाई की रिकॉर्ड ऊंचाई, खाने की कीमतों में उछाल और महामारी की वजह से हुए नुकसान के चलते श्रीलंका का खजाना खत्म होने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। ऐसे में इस साल श्रीलंका के दिवालिया होने की आशंका है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश को अगले 12 महीने में घरेलू और विदेशी कर्जों में अनुमानित 7.3 अरब डॉलर चुकाने की जरूरत है। भारत के राफेल लड़ाकू विमान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने चीन से 25 J-10 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी रूप और मारक क्षमता के लिहाज से राफेल चीन के इस फाइटर प्लेन से आगे है। विशेषज्ञों को J-10 की क्षमता पर संदेह है। अब इसराइल के समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में चीन के इस लड़ाकू विमान के बारे में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। दुनिया अभी भी ओमिक्रॉन नामक कोरोना वायरस के अत्यधिक फैलने वाले स्ट्रेन से जूझ रही है, जो दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि का नेतृत्व कर रहा है। अब फ्रांस के वैज्ञानिकों ने एक नए और अधिक तेजी से फैलने वाले स्ट्रेन की पहचान की है। IHU नामित B.1.640.2 वेरिएंट की खोज संस्थान IHU मेडिटेरियन इन्फेक्शन में शिक्षाविद द्वारा की गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसमें 46 उत्परिवर्तन होते हैं जो इससे टीकों के प्रति प्रतिरोधी और अधिक तेजी से फैलने वाला संक्रामक बनाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI पहली बार 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस मॉड्यूल को हाईवे निर्माण के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। इस तकनीक के इस्तेमाल से हाईवे को बनाने की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। साथ ही इस तकनीक के माध्यम से NHAI के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्ट अपने फोन पर और कंप्यूटर पर काम की गति का सीधा अपडेट पा सकेंगे। अगर आपने अभी तक अपने पैन यानी कि स्थायी खाता नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी करें। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। आखिरी तारीख के पहले तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपका स्थायी खाता नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर खाता धारकों को 10,000 रुपए तक जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है। मिस्र के आपूर्ति मंत्री मोहम्मद मोसेलही ने कहा है कि मिस्र ने पिछले साल चीनी उत्पादन में 87% आत्मनिर्भरता हासिल की है और चीनी के रणनीतिक भंडार 3 महीने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा है कि मिस्र अब अपनी चीनी जरूरतों का केवल 12% आयात करता है। इस बीच उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार द्वारा शुरू की गई सभी पहलों का उद्देश्य नागरिक की स्थायी स्थितियों में सुरक्षा और सुधार करना है और उनकी पीड़ा को कम करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के कासिमपुर में 660 मेगावाट की यूनिट का लोकार्पण करते देखे गए। इससे पहले सीएम ने यूनिट की डिजाइन देखी। लोकार्पण के बाद वो जनसभा के मंच पर पहुंचे। सीएम ने कहा कि ऊर्जा विभाग ने 4.5 साल में काफी काम किया है। पहले बहुत महंगे दामों में अग्रीमेंट होता था, इसका बोझ जनता पर पड़ता था। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में यूरोप के बाद अमेरिका में कोरोना की सुनामी आ गई है, जहां पर एक दिन में 1 मिलियन से अधिक लोग कोरोना का शिकार हुए हैं। दिए गए आंकड़ों के अनुसार यहां पर सोमवार को 10,03,043 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 500 किलोमीटर लंबे गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार स्वामी विवेकानंद जयंती को रोजगार दिवस के रूप में मनाएगी। इसके तहत 12 जनवरी को 3 लाख लोगों को लोन दिया जाएगा। शिवराज सरकार ने रोजगार के लिए लोन देने की घोषणा की है। उन्होंने हर महीने 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का निर्देश दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक LIC अपने प्रस्तावित IPO के लिए SEBI में जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते तक ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक LIC के अधिकारियों ने ग्लोबल निवेशकों के साथ हुई बातचीत में इस बात के संकेत दिए हैं।
दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोशल मीडिया पर केजरीवाल को खूब ट्रोल किया जा रहा है। एक दो दिन पहले पंजाब चंडीगढ़ में हुई रैलियों की तस्वीरों को साझा करते हुए लोग लिख रहे हैं कि दोज हु कम इन टच, जिन तस्वीरों को ट्विटर पर साझा किया जा रहा है वो एक से दो दिन पहले सीएम केजरीवाल की रैलियों की है। इसमें वो बिना मास्क लगाए दिख रहे हैं। लोगों ने इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर मजा लेना शुरू कर दिया है और साथ ही कई कॉमेंट भी लगातार आ रहे हैं। अक्षय कुमार की अगली फिल्म पृथ्वीराज, जो कि 21 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, ओमिक्रॉन और भारत में कोविड के मामलों में भारी वृद्धि के कारण स्थगित कर दी गई है। एक सूत्र ने कहा है कि जब आपके पास एक निश्चित ब्लॉकबस्टर हो, ऐसे में उसके साथ आप जुआ नहीं खेल सकते। पृथ्वीराज लोगों को सिनेमाघरों में वापस लाने में व्यापक सहायता करेगा और इसे ऐसे समय में रिलीज नहीं किया जा सकता जब ये अपने टारगेट को पूरा ही नहीं कर पाए। बीते साल आरंभिक सार्वजनिक निर्गम का बाजार गुलजार रहा, जिसका फायदा निवेश बैंकरों को सबसे ज्यादा हुआ है। साल 2021 में नए प्रौद्योगिकी कंपनियों की अगुवाई में 63 आईपीओ के जरिए 1.2 लाख करोड़ रुपए या 16.6 अरब डॉलर की राशि जुटाई गई है। उद्योग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान निवेश बैंकरों ने आईपीओ बाजार में तेजी के बीच 1.1 अरब डॉलर का शुल्क जुटाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 4800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने करीब 1850 करोड़ रुपए लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग 2950 करोड़ रुपए लागत वाली 9 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने सोमवार को कहा है कि कोविड-19 के इलाज से संबंधित खर्चों को कवर करने वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में से ओमिक्रॉन से होने वाले संक्रमण का इलाज भी शामिल होगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा है कि सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की सभी कंपनियों द्वारा जारी सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जो कोविड-19 के उपचार से संबंधित खर्चों को कवर करती हैं, वो ओमिक्रॉन वेरियंट से संक्रमित मरीजों को भी कवर देगी। देश में 176 नए मामले आने के साथ ही ओमिक्रॉन की संख्या 2000 के करीब पहुंच गई है। केरल में सोमवार को 29 नए मामले सामने आए, जबकि गुजरात कर्नाटक में 16 और 10 मामलों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में पिछले दो दिनों में दर्ज किए गए कुल कोविड-19 मामलों में कम से कम 81% ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुणाल दुबे, पामदेव राज, नुनु कुमार, अल अमीन, मुन्ना यादव, सूरज कुमार, तहसीन ट्यूटोरियल, राजीव कुमार, धनंजय कुमार, जितेंद्र कुमार, संतोष यादव, जितेंद्र यादव, सिद्धार्थ मेहता, तालीम दीन चैनल, सूरज कुमार, विक्रांत चौधरी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए क्या लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।